इस पर दुश्मन को रहम आया, हमें उस पर रहम नहीं आया। हमने उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं लगाई। वो इतना इमोशनल हुआ कि जल्दी से गया और प्लेट में अंगूर तोड़ 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 के सजाए। जब जाने लगा तो फिर शर्म और वो एक हिजाब दरमियान में आड़े आ गया, तो अपने गुलाम को बुलाया, अद्दास का, अद्दास ये ले जा, वो जो आदमी जख्मी पड़ा उसे जाकर कहना कि तुम्हें रिश्तेदारी की कसम, मेरे अंगूर रद्द ना करना, खा ले। हालांकि मौका था कि कत्ल करता, हर वक्त कत्ल करने के मंसूबे बना रहे, मौका था कि कत्ल करता। ऐसा हाल था कि कातलों के भी आंखों में आंसू आ, नहीं आए तो तुम्हारी आंखों में नहीं आए। चंद पौंडों पे अपने नबी को बेच दिया, कहने का अद्दास ये ले जा, वो जो आदमी लेटर पर, उसे कहना तो मैं रिश्तेदारी की कसम देता हूं मेरे अंगूर रद्द न करना, खा। अद्दास आए और आकर अंगूर पेश किए, तब आपने एक अंगूर उठा का बिस्मिल्लाह, तो अद्दास कहने लगा ये लफ्ज यहां तो लोग नहीं बोलते। आपने पूछा तू कहां का है, कहा मैं नीनवा का हूं। अच्छा, मेरे भाई यूनुस के शहर का, यूनुस अलैहिस्सलाम। वो कहने लगा मा अदरा का मा यूनुस, आपको यूनुस का कैसे पता है? तो आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, वो भी अल्लाह का नबी था। तो अद्दास ने एकदम आपके पांव पकड़े और चूमना शुरू किया और कलमा पढ़ लिया, तो आपको अपने सारे जख्म भूल गए। फिर जो आपने अल्लाह से बात की है ना, आए हाय 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 हाय, क्या अल्लाह पाक के सामने, اللهم اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس, اے میرے رب آج تو سے گلہ نہ کروں, آج تو سے گلہ نہ کروں, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی, الى عدو ملقته امري او بعيد يتجحم, ऐसे दुश्मनों के हवाले तूने किया जिन्होंने मेरा ये हाल कर दिया, तुझसे कौन सा छुपा हुआ है? सातों आसमान लरज गए, अर्श कांप उठा, और जिब्रील फरिश्ते को लेकर एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में हाजिर, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाएं, उत्बिक अलैहिम अल-अक्षबैन, ये दो पहाड़ उठाऊंगा और यूं ऐसे चक्की की तरह यूं कर दूंगा। नबी रहमत, नबी रहमत, नबी रहमत, अरे तुम तो आपस में रहमत नहीं रहे हो, ऐसी फिरकावारियत की आग में जले हो कि एक दूसरे को सलाम करना छोड़ गए, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ गए, और जाओ पाकिस्तान में देखो एक दूसरे के खून के पैसे फिर रहे हैं। ये कौन सी उम्मत है, ये कौन सा इस्लाम है? हज़रत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पहुंची? कब? ताइफ में, ताइफ में 23 बरस में सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पहुंची? फरमाया ताइफ में। जिन्होंने इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी उनसे बदला लेने का वक्त आ गया है और फरिश्ता हाजिर है, अल्लाह की मंशा शामिल है, कर दूं? कल नहीं, ये ना सही, इनकी नस्ल में शायद कोई ईमान ले आए, लअल्लाह अन युखरिज मिन असलाबिहिम मन युवाह, ये नहीं तो इनकी नस्ल ही शायद कलमा पड़ जाए, मैं अजाब दिलाने नहीं आया, मैं तो रहमत बनकर आया हूं, मा बुइस्तु लआनन, मैं लान तान करने नहीं आया, इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मैं तो रहमत बन के आया हूं। मेंबर पे बैठने वाले लानते बरसा रहे हैं अपनों पर, उम्मत बनो, मुसलमान बनो।